So, आज की कहानी कुछ ऐसे है कि हम निकल रहे हैं पहलगाम की तरफ, बट ट्विस्ट एक है कि आज हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपनी फैमिली है। सो चलते हैं, आज हम बराबर 150 किलोमीटर का करने, और यहाँ से हमें पहले जाना है इस्लामाबाद पापा के फ्रेंड के पास, तो आप वो भी 50 किलोमीटर लगा लो। सो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर हमें कवर करने हैं अपनी फैमिली के साथ। सो आज ये भी चेक कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ कैसा मज़ा आता है। सो आपको चेक कराते हैं हम क्या कर रहे। छोटू मोटू बैग ले लिया और एक गाड़ी में डालते हैं, अभी कोई रेडी नहीं हुआ मेरे बिना। सो हमारे साथ जा रही है ये वाली गाड़ी, और आगे वाली गाड़ी तो नहीं जाएगी। सो अंकल की गाड़ी जा रही है, तो वो आपको आगे चेक कराते हैं। मैं भी जो है वो हमारे साथ सफ़र नहीं कर सकती, तो इसको मैं रख रहा हूँ राशिद के पास एक या दो दिन के लिए। सो बाय मेरी जान। 10:30, तो अब हम फाइनली निकल रहे हैं अपने घर को टाटा करके। पहला फ्यूल सेशन हमारा जो बारामला में ही हो रहा है, 4:30 में इसकी फुल टैंकी हो जाती है। 100 मीटर स्टार्ट, 100 कुछ का पेट्रोल लीटर हो चुका है यहाँ, हमारा फ्यूल भी हो चुका है फुल, तो अभी जा रहे हैं हम अपने सफ़र पे कंटिन्यू। तो अभी हम बारामला में ही है, हमें करना है अप्रॉक्स आज 200 से ऊपर किलोमीटर कवर्स, तो अभी निकल पड़े हैं हम बारामला से। पापा हंसा रहे मेरे को। सो अब बस 30 किलोमीटर रह चुके हैं श्रीनगर तक, और भाई मैं मस्त सोने वाला हूँ, रास्ते में पापा चला रहे हैं गाड़ी, मेरा काम है सोना। बाय बाय। सो अभी यहाँ से रह गया कुछ 20 किलोमीटर श्रीनगर, और हमने चेरीज ले लिए हैं, दादी को खिलाते हैं चेरीज, ये चक्कर। और मैं बैठ गया हूँ ऐसे, समझ रहे हो। सो अभी यहाँ से रह गया कुछ 20 किलोमीटर श्रीनगर, और हमने चेरीज ले लिए हैं, दादी को खिलाते हैं चेरीज, ये चक्कर। और मैं बैठ गया हूँ ऐसे, समझ रहे हो। सो आप हो रहे हैं मेंटल श्रीनगर। पापा आप यहाँ से आप कितना दूर है पापा यहाँ से इस्लामाबाद? भैया कितना दूर है? 50 किलोमीटर। सो समझ रहे हो ना, थक गया भाई, चलते। सो आ चुका है पहला टोल लासा। कितने सौ का चूना? 150 तक का चूना लगने वाला है यहाँ से इस्लामाबाद जाने का। अरे खत्म कब करेंगे ये सब यार, पता नहीं क्या है इनका। सो ये है हमारे कश्मीर का टोल प्लाजा। 240 रुपीज लेके हमें अपने रोड पे नहीं चलने देते हैं, विदाउट टैक्स कोई नहीं चल सकता। ये हमारे कश्मीर का रनवे ठीक है। देखो भाई क्या रनवे, मतलब यहाँ पे मतलब टेस्ट भी आप कर सकते हो गाड़ियों का, ऐसा मुझे। ये कितने किलोमीटर है बाबा? ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता नहीं, 1-2 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। अब कहीं पर भी ये नहीं देखोगे, फोर लेन रास्ते खासा। और पापा अपनी ये लग गया है ट्रैफिक जाम, और मैंने शुक्र स्लीपर साथ लाए थे, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, ट्रैफिक बहुत लंबा हो गया है। सो यहाँ पे आइसक्रीम वाला भैया आ चुके हैं, तो ले लेते हैं एक आइसक्रीम अपने लिए। ये आइसक्रीम मिल गई है हमको ट्रैफिक जाम। सो अब उतर चुके हैं हम हाईवे से नीचे, तो ये है अनंतनाग का रोड, हमें जाना है इस तरफ। सो अभी हमें कुलगाम में वाइज पापा के दोस्त के पास रहना पड़ा आज रात को। सो हम कल जाएंगे और पहलगाम की तरफ, मैं कुलगाम में भाई मैं इतना बोर हो गया ना, माँ कसम यहाँ से लड़की है उनके पास, तो भाई मैं फिर लौंडा हूँ यार, क्या करूँ अब, करेंगे काम भाई। अब सीन ऐसा है मैं रात पे आई हूँ, कहाँ पे बैठना पड़ रहा है भाई, कसम इतना किला फील हो रहा है ना, स्नैपचैट पे बात करनी पड़ रही लोगों से, इतने बुरे दिन। ऊपर से हाथ में भी लग गई यार, गाड़ी से उतरते उतरते ना हाथ में लग गई। चलो कोई ना, आप ये वाला एपिसोड यहीं पे बंद करते हैं, कल सुबह आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और हम हो चुके हैं रेडी होके तैयार। सो चाय वाय पी लिए भाई, अब हम निकल रहे हैं पहलगाम की तरफ, चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। सो अभी हम निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से, सो लेट्स गो। ये है अंकल की गाड़ी, आगे आगे चल रही है, और हम भी चल रहे हैं पीछे पीछे।
गाइस आफ्टर एक घंटे के बाद क्या नज़ारे मेरे को मिले आप भी चेक करो। यूजुअल जो मेरे साथ हर वक्त होता था, हर ट्रिप पे होता था, पहलगाम हो चुका है बंद अमरनाथ यात्रा के लिए। सो बैठे हम भी ट्रैफिक भाई सब के सब बंद। अभी हम ट्रैफिक से थोड़ा दूर आते हुए अब हम अंगल ने बोला थोड़ा बहुत उधर इधर क्या करवा देते हैं, अगर हमें वहाँ पे छोड़ दिया ना बस फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली ना यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है तो उसी की वजह से ना ये सब पसड़ मची पड़ी है। क्या बताऊँ यार, बस HR और DL नंबर की गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, JK नंबर की गाड़ी को नहीं। अपना लक आजमाते हैं, अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो घर वापस जा रहे हैं। वापस नहीं छोड़ा तो करते मैगी खा लेते हैं बस। क्या बोलते हो भैया, तब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक मैगी खा लेते हैं सिस्टम। तिवारियों की चाय आए हाय, मतलब कसम इतना सुकून आ रहा है मुझे, मन ही नहीं कर रहा मैं जाऊँ और कहीं, चाय पीने का यहीं पर मज़ा आ रहा है, सिस्टम है भाई प्रॉपर। पापा ने कॉल किया बोल रहे जल्दी आओ कुछ हो गया, तो बोल रहे पापा ने उनको छोड़ ओड़ देंगे देखते हैं, न्यूज़ है वहाँ पे मार रहे हैं। तो भाई हमें हम वापस ही जा रहे हैं भाई, हमें कोई शौक नहीं अपने आप को पिटते हुए देखना। सो लेट्स गो। अभी हम इस कुछ इस टाइप की पार्क में आ चुके हैं बिकॉज छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे आप, और थोड़ा 10 मिनट वेट और कर लेते हैं, होता है कुछ तो होता है, नहीं होता है सो हमें बहुत सैडनेस के साथ बोलना पड़ रहा है बट हमें घर जाना पड़ेगा। सो ओके, सो अब हम जा रहे हैं फिर से वहाँ वापस, आकर इस बार भैया ने नहीं छुड़वाया हमको, इस बार हवा खराब कन्फर्म 4 बार हम वापस आए समझ लो। सो ये वो जगह थी जहाँ पर हमें नहीं छोड़ रहे थे, वो यहाँ पर फिर से पुलिस है छोड़ दिया फाइनली वी डिड इट। मुझे लगा था आज प्रॉपर प्लान कैंसिल हो गया, घर भाग जाओ, मूड खत्म हो गया था मेरा, अब वापस निकल ही रहे थे घर के लिए, बट उसी वक्त सडनली अंकल को कॉल आई कि परमिशन मिले सो निकल गया। सॉरी अंकल, पहलगाम के रोड़े हमारे हैं, सुबह से इस एक नाम के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी भी यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी। आप एक बजे हमने एंट्री मारी थी भाई, अभी बज रहे 3:30 और ये चेको लॉज, अब हमें एंट्री हो रही है, बच्चा की मैं कर रहे हैं, फिर रोड देखो खुला रोड, कितने देर बाद देखा ये रोड। अब पापा नहीं रुकने वाले कहीं पर भी भाई, 3.5 घंटे यहाँ पे रुके हैं हम भाई, 3.5 घंटे मौसम मस्त हो रहा है एकदम। फाइनली हम पहुंच गए पहलगाम, और मेरा फ़ोन डाउन हो रहा है, पहले फ़ोन चार्ज पर रखना है फिर आपसे मिलते हैं। सो एक यहाँ का मेन हाईवे बोलो इसको, फुल ट्रैफिक है, बारिश भी गिरने वाली है, वेट